Hello students, today we will solve the exercise, first exercise of chapter 7, that is 7.1 exercise. Let's solve the question number 1, that is it possible to say which is the largest number in the set of integers? इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या ये बताना संभव है, पॉसिबल है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, मतलब क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में लार्जेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर्स होता है या नहीं होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था इंटीजर्स के बारे में डिटेल से कि इंटीजर्स ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, इनका सेट जो है वो इंटीजर्स कहलाता है। तो इंटीजर्स जो हैं बेटा नेगेटिव ऑफ, मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है, नेगेटिव काउंटलेस अनगिनत से लेकर पॉजिटिव अनगिनत तक होते हैं, उनका कोई भी एंड नहीं होता। देर इज नो स्टार्टिंग एंड देर इज नो एंड, इट मीन्स देर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड देर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर। सो इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज नॉट पॉसिबल टू से विच इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज इसका रीजन क्या है, सिंस देर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट पार्ट, इफ गोइंग नॉर्थ इज कंसिडर्ड पॉजिटिव What will be negative mean? मैंने आपको समझाया था कि positive and negative integers are used to show the direction. अगर north direction positive integer से show कर रहे हैं, हम represent कर रहे हैं, तो definitely south direction उसका opposite direction है, उसका बिल्कुल उल्टी direction है। तो south direction हम किस integer से, किस sign से represent करेंगे? Negative sign से। तो इसका answer क्या होगा? Yes, negative means south direction. So south direction will be represented by negative sign because integers are also called directed number, which are represented to show the direction. Now the second part, if gaining weight is considered positive, what is the negative? Means अगर वेट का गेन करना, गेन मतलब वेट का भार का बढ़ना, अगर हम पॉजिटिव साइन से कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन से भार के बढ़ने को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो नेगेटिव साइन इज अपोजिट टू द पॉजिटिव साइन। इफ गेनिंग पॉजिटिव साइन इज यूज फॉर गेनिंग, then negative sign will be used for losing weight. Losing मतलब भार का कम होना, तो negative is considered as losing weight. I hope आपको ये solution समझ में आया होगा। Thank you.